अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। कोरोना का इतनी जबरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है, और वहाँ उन्होंने वैक्सीन बहुत बड़े स्तर के ऊपर अपने लोगों को लगाई, तो कोरोना के अंदर उस लहर के कम होने का, ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट्स वैक्सीन को मानते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, एग्रेसिवनेस के साथ कोरोना वैक्सीन लगाई गई इंग्लैंड में, उसका कोरोना की लहर को ख़त्म करने में बड़ा योगदान रहा। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150-150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है, ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए, अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, दाम इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पर ले आएंगे, पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पर फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। एक बात की 18 साल से ऊपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन्स उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन्स की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द दूसरी वैक्सीन्स भी ईजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले एक दो दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे, उसके दो चार दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पर 200 बेड्स का ICU भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद, इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं ऑक्सीजन। तो देखिए अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर दामों की जो दाम है, जो वैक्सीन के दाम बढ़ाए गए हैं, केंद्र सरकार के लिए 150 रुपए है, राज्य सरकार के लिए 600 रुपए, और उसके बाद 1200 प्राइवेट अस्पतालों के लिए किए गए हैं, उसको लेकर सवाल ये उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या इस पर सोचना नहीं चाहिए। साथ ही साथ जो राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर जो बना है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे कि वहां का निरीक्षण किया है, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार चिंता जाहिर करते हुए कि दिल्ली में कोरोना कहर बरपा रहा है और लगातार कई लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और इस बीच दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। और ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो वैक्सीनेशन है उसको भी, वैक्सीनेशन ड्राइव को भी और दुरुस्त किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाई जाएगी, लोगों की वैक्सीनेशन कराई जाएगी, और कोशिश यही रहेगी कि मुफ्त वैक्सीनेशन लोगों को दी जाए। और साथ ही ये भी कहा कि ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं है, इसलिए सब लोग साथ आकर कोरोना से जंग में अपनी बराबर की हिस्सेदारी निभाएं। क्योंकि देखिए किस तरीके से कांग्रेस भी पहले सवाल उठा चुकी है कि अगर एक वैक्सीन है तो उसके तीन दाम कैसे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि
समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है, उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। तो दिल्ली में एम्बुलेंस वालों की खुलेआम गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है। मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस वाले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मरीज के परिजनों से मनमाना पैसा मांगा जा रहा है। आरएमएल अस्पताल से छतरपुर के लिए 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। सोचिए कितना ही डिस्टेंस है और इसके लिए 15,000 रुपए। एम्बुलेंस वालों की मनमानी से मरीजों के परिजन काफी परेशान हो रहे हैं। तो एक और ये बड़ी चुनौती जो कि मरीजों के परिजनों के सामने आ रही है, एक तरफ अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा है, इलाज का अभाव है, और ऐसे में जो एम्बुलेंस है वो भी अपने मनमानी कर रहे हैं, वो भी मनमाने दाम मांग रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में एक तरफ जहां अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत है, तो वहीं ऐसी मजबूरी का फायदा उठाने में एम्बुलेंस वाले लगे हुए हैं। एम्बुलेंस वाले कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए 15,000 रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं। देखिए जी मीडिया रिपोर्टर हितेन विटलानी की ये रिपोर्ट। कोरोना के इस दौर में जहाँ लोग दर बदर भटक रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें मदद मिल जाए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते अब एम्बुलेंस की भी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अधिकतर एम्बुलेंस आपको जो है बिना ऑक्सीजन के खड़ी नज़र आएगी, लेकिन जिस एम्बुलेंस में थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन बची हुई है वो कहीं ना कहीं अब अपनी मनमानी करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे आरएमएल हॉस्पिटल से छतरपुर के 15,000 रुपये की मांग की गई है। आप सोचिए, जहाँ टैक्सी 100-200 रुपए में पहुंचा देती है, वहाँ 15,000 रुपए ऑक्सीजन के साथ मांग किए जा रहे, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? एम्बुलेंस वाले ने क्या मांग की आपसे? एम्बुलेंस वाले ने 15,000 मांगे, ये 15,000 लूँगा छतरपुर के लिए, राया साहेब सत्संग के लिए, जहाँ वो कोविड का खुला है कोई, उसके लिए ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ मैम, बताइए, ये नंबर पर फ़ोन किया था हमने अभी। इसी एम्बुलेंस के नंबर पे? इसी नंबर पे 9891512536 पे। हाँ जी, इसी ने वो एक आदमी था यहाँ पे एम्बुलेंस से उतरा था। हाँ, उसने बात की थी मेरे मोबाइल से, और सीधे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। हम 2-3 आदमी थे, इन्होंने पूछा कि इस एम्बुलेंस वाले से बात कर लो। हाँ, उन्होंने ये नंबर बताया, बोला इससे बात करो, उसने बात करवाया, उसके बाद इनसे 15,000 रुपये मांगा छतरपुर के लिए। क्या छतरपुर के 15,000 रुपए मांगे आपने? अरे नहीं सर, मैंने बताया नहीं, सिलेंडर में बताया, मैं सुबह से गाड़ी साफ कर रहा हूँ। नहीं, वो बात सारी सही है, लेकिन ये भाई अभी इनके साथ जो 4 लोग खड़े हैं वो झूठ बोलेंगे। ये एम्बुलेंस वालों की कालाबाजारी, जब रंगे हाथों पकड़े गए तो देखो एम्बुलेंस को अब भगा रहे हैं यहाँ से कि कहीं और चले जाओ। और जिस व्यक्ति ने शिकायत की कि गरीबों को किस तरीके से लूटा जा रहा है एम्बुलेंस की आड़ में, तो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, हम कहाँ से पैसे मांगेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ ही मिटलानी, जिम्मेदार। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी वालों के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है। इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में 2 मेडिकल शॉप चलाते हैं, जबकि तीसरा आरोपी सुनार है। 50,000 से लेकर 1,00,000 तक में इन इंजेक्शन को ब्लैक किया जा रहा था, और अब तक 100 से ज्यादा इंजेक्शन ब्लैक
कर चुके हैं ये आरोपी। जरा समझिए मंजर क्या है, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कालाबाजारी करने वालों पर छापेमारी की जा रही है। जालंधर, रायपुर और इंदौर से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एमडीसीवी के साथ ये आरोपी पकड़े गए हैं। कालाबाजारी जमकर हो रही है, लोगों की सांसें टूट रही हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस आपदा में किस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको अपना मुनाफा कमाना है, लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं है और इन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर देश भर में छापेमारी भी की जा रही है। जालंधर, रायपुर और इंदौर में 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के हिसार में एक साथ 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। निजी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की एक साथ मौत हुई है। परिजनों का आरोप है ऑक्सीजन ना मिलने से सबकी जान गई है। मरने वालों में 1 दिल्ली, 1 पंजाब और 3 हिसार के थे। देखिए लोग लगातार दम तोड़ रहे हैं के बाद खबरें जो हम आपको बता रहे हैं, दुखद यह खबर है लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हरियाणा का ये पूरा वाक्य, हरियाणा के हिसार में एक साथ 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी से ये बड़ी खबर है। एमपी में कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रकोप झेल रहे इंदौर के अस्पताल इस आपदा में भी अपनी कमाई का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ की जो गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। इंदौर के चिरायु अस्पताल के स्टाफ ने बुजुर्ग मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट की, जमकर लात घूंसे बरसाए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उनसे इलाज के नाम पर ज्यादा पैसे वसूले। ये तस्वीरें आप देखिए, इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है लेकिन ऐसे डॉक्टर्स कलंक साबित होते हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। ज्यादा पैसे मांगे गए, नहीं दिए परिजनों ने, तो फिर उनके साथ मारपीट की गई है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई है, किस तरीके से हॉस्पिटल का एक पूरा स्टाफ लात घूंसे चलाए जा रहे हैं, जमकर बाल खींचे जा रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। उनका यही कहना है कि देखिए ज्यादा पैसे यहाँ पर मांगे गए थे। जिसने मारपीट करी है और इन लोगों ने उन लोगों को यहाँ से भेज भी दिया है, जो हॉस्पिटल स्टाफ इन लोगों ने बिठा रखा था, इन लोगों ने यहाँ से उनको रफा दफा कर दिया है। बाहर जाए और ये लोग हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, हम दोनों महिलाएं हैं। इनका नाम है ब्रह्मदत्त। हमारा वो पैसे की इसमें ये बोल रहे हैं, हम 1 लाख रुपए मेंशन नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी की चाबी भी मेंशन नहीं करेंगे हॉस्पिटल स्टाफ की, और ये भी बोल रहे हैं हमारा जो मोबाइल गायब है वो भी हम नहीं देंगे, मतलब वो भी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये चीज ये पुलिस वाले हमको प्रेशर बना रहे हैं महिलाओं को। जब एसडी जब यहाँ पे सर थे, जब भी लोग हमसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, यहाँ के सीनियर निकल गए, तो ये अब हमारे साथ बदतमी मतलब हम लोगों को प्रेशर बना रहे हैं और इन लोगों ने वहाँ इनको हॉस्पिटल के स्टाफ को सबको भेज दिया है, अरेस्ट एक को भी नहीं किया है। तो वाकई दिल को दहला देने वाली तस्वीरें इंदौर के एक अस्पताल से। बढ़ते आगे और अब दिल्ली की खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली के छतरपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है, जिसमें आज से सिर्फ 100 बेड शुरू किए गए हैं। राधा स्वामी व्यास कैंपस में बने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में ITPP ने इसे पूरा तैयार किया है। ग्राउंड जीरो से हर्षा चंदवानी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली के छतरपुर में बना राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड केयर सेंटर, जो कि अस्थायी रूप से बनाया गया है, जिसको कि ITPP ने बनाया है 500 बेड के। इस राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड केयर सेंटर को आज से शुरू होना है, यानी कि आज यानी कि 26 अप्रैल सोमवार से इसे शुरू करना है। लेकिन हैरत करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एम्बुलेंस की लाइनें नजर आ रही हैं, यहाँ पे परिजन मरीजों को लेकर के पहुंचे, आपको पीछे लंबी कतार नजर आ रही होगी। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरा पर्सन सौरभ आपको दिखाएं, एम्बुलेंसेस खड़ी है लेकिन फिलहाल किसी का एडमिशन नहीं किया जा रहा है। परिजन और इस कदर परेशान है कि ना एम्बुलेंस में ऑक्सीजन है ना गाड़ी में ऑक्सीजन है, लिहाजा यहाँ बैरिकेड लगा करके यहाँ से आगे फिलहाल किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे परिजन मौजूद है राधा स्वामी सत्संग व्यास कोविड केयर सेंटर के बाहर, और तस्वीरें ये हैरान और परेशान करने वाली है। मैम आप लोग को क्या बोला गया, कहीं से आए हैं, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग फरीदाबाद से आए, मेरे पापा ने रोहिणी से आना, लेकिन एम्बुलेंस है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
सेंटर नहीं खुला है, खुलेगा नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? कैसे कैसी हॉस्पिटल रेफर किया या फिर आप डायरेक्टली ही आई मैम? नहीं नहीं, हमें हॉस्पिटल ने रेफर किया कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमने बेड्स को कम कर दिया, इसीलिए उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप वहाँ पे जाइए। मेरा मरीज है, मेरी माता जी आई हुई है जिनकी उम्र 75 है, मैं पिछले 4 दिन से भग भग रहा हूँ हॉस्पिटल में, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पता लग रहा है किसी की बेड नहीं है या नोडल अधिकारी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो लोग गेट पर जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं उनको वो क्या कह रहे हैं? आपने किसे बात? वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। मिली नहीं रहा। कितने कितने बजे से यहाँ पर आए हुए हैं? मैं कल आया था, कल पता कर गया था और आज सुबह 7 बजे के आसपास आया हूँ। ना ये लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहे हैं कि होगा कितने बजे क्या होगा। कई बोल रहे हैं कि सीएम आएंगे वो उद्घाटन करेंगे। काहे का उद्घाटन करेंगे? शॉपिंग मॉल खुल रहा है क्या, उद्घाटन करेंगे इसका? सर बाहर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है, एटलीस्ट आप एक बता तो सकते हैं कि कितने बजे शुरू होगा? क्या कोई सीएम आने वाले हैं? क्या इनॉग्रेशन होगा उसके बाद शुरू होगा? सर पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल। ये दिल्ली के छतरपुर इलाके में तैयार 500 बेड वाला कोविड केयर सेंटर है। कैंपस राधा स्वामी व्यास का है, लेकिन कोविड केयर सेंटर को आईटीबीपी ने तैयार किया है जो आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गया। ये कोविड केयर सेंटर 25 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कोरोना के मरीजों के लिए 10,000 बेड लगाए जाने हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोविड मरीजों के लिए 500 बेड तैयार हैं। यहाँ हाईटेक मेडिकल सुविधाओं के साथ देश के बेहतर डॉक्टरों की टीम मौजूद है। इस सेंटर में मरीजों की भर्ती के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा। भर्ती होने वाले मरीजों को जिला निगरानी अधिकारी एडमिट करेंगे, यानी कि अस्पताल में वॉक इन भर्ती का कोई प्रावधान नहीं है। आईटीबीपी कोविड सेंटर में मरीजों का इलाज, दवा, खाना और अन्य सुविधाएं निशुल्क होंगी। आईटीबीपी की ओर से मेडिकल स्टाफ के अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि यहां सिर्फ 88 या इससे ऊपर ऑक्सीजन लेवल वाले मरीज ही भर्ती किए जाएंगे। दिल्ली NCR के कोरोना मरीजों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। जिस तरह से देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, खासकर दिल्ली के अस्पतालों में जिस तरह से बेड की किल्लत और ऑक्सीजन की कमी से आए दिन मरीज दम तोड़ रहे हैं, आईटीबीपी का ये कोविड सेंटर संजीवनी का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, कोरोना के संकट काल में जी हिंदुस्तान ने एक मुहिम शुरू की है, कोई भी भूखा ना सोए। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस मुसीबत के दौर में देश के उस कमजोर शख्स के साथ खड़े हैं जिनके लिए इस संकट में अपने परिवार के लिए दो वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा है, तो हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। आप अगर बतौर व्यक्ति या संगठन इस महामारी के दौरान लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, सहायता की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें 9711823926 यानी 9711823926 नंबर पर व्हाट्सएप करें।